इट्स बीइंग भारत का नागरिक होने के बाद एक तो अपना एक मालूम है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के लिए हम लोग कुछ तो करना चाहिए। और जो प्लास्टिक दूसरे को तकलीफ दे रहा है वो प्लास्टिक हमें भी तकलीफ दे रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट बोल रही है प्लास्टिक बंद करो, तो फिर वो उसको एक बैन बोलने से या कुछ गवर्नमेंट ने उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला है उसको गवर्नमेंट से पूछने से अच्छा है हम लोग कुछ अपने तरीके से अपने पास से कुछ कर सकते हैं, तो वो ही हेल्प समाज के लिए भी होने वाली है। तो उस वजह से हम लोग पहले भी सोच रहे थे बहुत कुछ, और अचानक से एक था कि ठीक है एक ट्राई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो। जैसे मैंने बोला कि आज की तारीख में हम लोग ने 1500 ग्लासेस बचाए हैं 1500-1800 ग्लासेस बचाए हैं प्लास्टिक के, और वही जाके हम लोग ऑन एन एवरेज ईयर में एक 50-75 वेडिंग्स ऑन एन एवरेज कैटर करते रहते हैं। तो आप 1500 × 50 करेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक सेविंग होने वाला है। तो वो नज़र से हम लोग सोचा था। पर्सनली मुझे पेड़ों पौधों का बहुत शौक है, तो तभी दिमाग में था कि कहाँ से प्लांटेशन तो बढ़ना ही चाहिए, कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि अरे एक केले के खंभे को काट, केले के झाड़ को काट के लगाने से अच्छा है कुछ नया उधर क्रिएट कर सकते हैं, तो एक मैसेज भी जाएगा और हमारी मेरी जो पसंद है वो भी उसमें रह जाएगी। तो उन दोनों के हिसाब से बीइंग एक्टिव नागरिक, मतलब इस समाज का नागरिक होने के जरिए से हम लोग ये सोच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और जो सिचुएशन जा रहे हैं वो मेरे लिए भी कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है, वी ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। अभी डेली लाइफ में हम लोगों सबको यही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ तो राह निकालनी चाहिए। और ये छोटा सा मेरा एक हमारा एक उपक्रम है जिससे कुछ अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। चलिए आगे आखिरी सवाल चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे इस तरीके के इंडस्ट्री में, बहुत लोग हैं कैटरर्स हो, होटल्स हो, बहुत सारा जमीन इस तरीके का होता है, अगर वो लोग भी अगर इस अवेयरनेस लाते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। डेफिनेटली आपने जो बोला वो बहुत ही बढ़िया बोला कि आज की तारीख में बहुत से कैटरर्स महाराष्ट्र में है, भारत भर में काम कर रहे हैं। और मैं जैसे बोला कि जो ग्लास का यूज़ है आज तक की तारीख में हम लोग ने क्यों अवॉइड किया था, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी थी। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा था कि उनके लिए एक हाइजीनिक प्रोडक्ट था, हमारे सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकेजेस कम था, तो कॉस्टिंग में भी थोड़ा हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे बोलते हैं कि जिम्मेदार नागरिक हो आप, तो आप वो भी सोचते थे कि आप कुछ कर सकते हैं क्या देश के लिए या समाज के लिए। तो वो सोचने के टाइम पे आप हम लोग ने देखा कि एक बहुत ही एक जैसे मैंने पहले भी बताया एक छोटी सी मेथड है, 3 बकेट मेथड। वो छोटी सी मेथड में ज़्यादा कुछ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कुछ मशीनरीज उसमें इन्वॉल्व है। एक पानी की 3 बाल्टी रखे, उसमें एक आदमी डेडिकेटेडली वहाँ पे बैठा है जो ग्लासेस धो रहा है, और वो ग्लासेस रीयूज करके हम लोग पानी दे रहे हैं। सो उसमें क्लाइंट के हिसाब से भी हाइजीन मेंटेन हो रहा है, हमारे हिसाब से भी वी आर डूइंग समथिंग फॉर एनवायरनमेंट, एंड दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। सो इस नज़र पे मैं और भी कैटरर्स को अपील करूंगा कि ये बहुत इजी है, सिर्फ या आप और क्लाइंट भी आज की तारीख में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी। जैसे आज के क्लाइंट हमारे जो मिले हैं उन्होंने, उनको जब भी हमने ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने ये सब चीज़ों को बहुत एक उत्फूर्त से उसको एक्सेप्ट किया। उनको उनका कहना था कि अरे बहुत अच्छा है, हमारे भी दिमाग में ऐसे कुछ था कि हम कुछ कर सकेंगे, और अगर आप कर रहे हैं हमारे साथ तो हम आपके साथ ज़रूर हाथ मिलाएंगे और ये सब आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी क्लाइंट ऐसे मिलेंगे, तो और ये हर कैटरर की जिम्मेदारी रहेंगी। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी कि आप क्लाइंट को कुछ ऐसे सोल्यूशन देने चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप आगे कुछ ऐसे कर सकते हैं। फ्यूचर में कुछ इस तरीके का वेडिंग प्लान आपके प्लान में आ रहा है? जैसे मैंने बोला कि जैसे कंपोस्ट वगैरह है, सोलार एनर्जी वगैरह है, उस लाइन पे हम लोग थोड़ा वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सर।